आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मस्कुलर सिस्टम्स, और मस्कुलर सिस्टम में मैं बात करूँगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मसल्स। मसल जो हैं आपकी कौन कौन सी जगह पर होती हैं, मींस मैं बात कर सकता हूँ कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेक्टोरल्स मेजर्स मसल्स कहाँ पर सिचुएटेड रहती है, कहाँ पर लोकेटेड रहती है, ट्राइसेप्स मसल्स कहाँ पर लोकेटेड रहती है, उसका फंक्शन क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं 3D एनिमेशन में हर एक मसल्स को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये इस तरीके से जब हम मस्कुलर सिस्टम को पढ़ते हैं तो ह्यूमन बॉडी का इस तरीके से एक हम बोल सकते हैं एक एक पिक्चर होती है, एक इस तरीके से इमेज होती है। अब इसमें हम जो है किस तरीके से मसल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको कैसे हम पहचाने कि इसका नेम क्या है, तो हम अप टू बॉटम चलेंगे और जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन पर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं, और पूछा गया था कि स्टेनोक्लेविडोमास्टॉइड मसल्स कहाँ पर लोकेटेड है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आपको समझना है। तो स्टेनोक्लेविडोमास्टॉइड मसल्स ये आपकी ये मसल है, मैं यहाँ पर रेड पेन ना यूज कर ब्लैक पेन यूज करूँगा, इससे आपको आइडिया लग जाए। तो यहाँ से ले कर यहाँ तक ये जो है आपकी साइड में आपको बोलना है कि आपकी जो गर्दन होती है, जो आपकी नेक होती है, ये क्वेश्चन बनेगा आपकी जो नेक होती है, नेक के साइड में जो मसल है और डायगनल में वो है आपकी स्टेनोक्लेविडोमास्टॉइड मसल्स। अब ये दिखती कैसे है, चलो हम एक बार दिखाते हैं। जब मैं इसको आइसोलेट करूँगा तो ये इस तरीके की मसल है आपकी, इसको हम बोलते हैं स्टेनोक्लेविडोमास्टॉइड मसल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो सारे लोग। और इस मसल का जो फंक्शन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इस मसल का फंक्शन क्या है। तो आपकी जो नेक है ना, आपकी जो नेक है, जो गर्दन है, उसको होल्ड करने का काम करती है, स्टेबलाइज। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैं अभी स्टेबल हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मेरी गर्दन स्टेबल है, मैं आपको कंसंट्रेट करके पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ना कोई मसल्स उसको होल्ड करके रख रही होगी। तो स्टेनोक्लेविडोमास्टॉइड मसल्स क्या करती है, इसको होल्ड करके रखती है, और आपका हम बोल सकते हैं लेटरल जो मूवमेंट है, आप लेटरल रोटेट कर रहे हैं या लेटरल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो यही मसल रेस्पॉन्सिबल है आपकी गर्दन में मूवमेंट कराने के लिए। और वैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेनोक्लेविडोमास्टॉइड मसल्स का फंक्शन क्या है, तो आपके एग्जाम पूछा गया था, ये ऑप्शन था होल्ड करना, गर्दन को स्टेबलाइज करके रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं, उसके बाद जब मैं आता हूँ तो आपके सामने, जस्ट मैं पीछे लेकर जाता हूँ, तो आपके सामने एक ये मसल है, और आपने सब लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीपिटल हमारी जो बोन है वहाँ ऊपर वाले हिस्से से लेकर और यहाँ से लेकर इस तरीके से ये फैली हुई रहती है। तो ये फैली हुई रहती है, इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, ये एक बार नहीं आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका फंक्शन भी पूछ लेता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मसल बोलते हैं, सारे लोग नोट कर लेना। अब ट्रेपेजियस मसल्स की मैं बात करूं, ये आपके गर्दन में समलव आकार की मसल होती है, और इस मसल से आपकी गर्दन में, मैं बात करूं आपकी जो नेक है उसमें एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, नोट कर लेना एक एक क्वेश्चन। ये आपकी गर्दन में पीछे अब लेके जाते हो तो एक्सटेंशन मूवमेंट करवाती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम अपनी बॉडी को रोटेट करते हैं तो हमारे साइड में शोल्डर मसल से भी क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से आपकी, हम बोल सकते हैं इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, गोल टाइप की आप इसको बोल सकते हैं। सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं, इस मसल की जब हम बात करते हैं इसको हम कॉमन भाषा में इसको हम शोल्डर बोलते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज की मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड, इसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड। तो डेल्टॉइड मसल जो है ये शोल्डर का साइंटिफिक नेम है या एनाटॉमिकल नेम है, कैसे भी घुमा फिरा के आपके सामने दे सकता है क्वेश्चन। तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो यहां पर मैंने इस पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक करने के बाद मैं इसको आइसोलेट करता हूं, मैंने इसको आइसोलेट कर दिया। तो ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, इसको कभी नहीं समझ पाओगे। तो शोल्डर के अंदर मैं बात कर रहा था, डेल्टॉइड के अंदर बात कर रहा था, मैं डेल्टॉइड की बात कर रहा था। तो आपके डेल्टॉइड के अंदर, आपके डेल्टॉइड के अंदर 3 मसल्स होती हैं,
हम बोल सकते हैं थ्री मसल्स या थ्री पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बाइसेप्स में टू हेड होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे हेड बोल दो, पार्ट्स बोल दो, ग्रुप बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्वेश्चन को समझ जाना आप। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, एक आगे वाला हिस्सा होता है और एक बीच वाला हिस्सा होता है। तो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डेल्टॉइड, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डेल्टॉइड। और ये एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि मसल्स का, शोल्डर मसल्स का पोस्टीरियर डेल्टॉइड पार्ट्स होता है या नहीं होता है, तो होता है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर और ये हो गया हमारा आगे का एंटीरियर। एंटीरियर का मींस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट, क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट। पोस्टीरियर मींस होता है बैक, पीछे वाला हिस्सा, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब बीच वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं मिडिल और इसको हम लैटरल भी बोल देते हैं, लैटरल डेल्टॉइड या मिडिल डेल्टॉइड। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों बोलते हैं इसकी लोकेशन को, जब हम समझते हैं जब ओवरऑल बॉडी में, तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ऐसे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो आपने देखा होगा जंपिंग जैक जब एक्सरसाइज करते हो आप जिम में, लैटर रेज करते हो, तो शोल्डर की ये जो बीच वाली जो मसल है, मैंने आपको बताया था कि बीच वाली जो मसल है उसको हम मिडिल डेल्टॉइड लैटरल बोल देते हैं, ये वाली जो मसल है, ये वाली मसल, इसको हम लैटरल बोल देते हैं, याद रखना लैटरल, या हम बोल सकते हैं मिडिल डेल्टॉइड, कन्फ्यूज नहीं होना, मिडिल डेल्टॉइड कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर में, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, ये शोल्डर जो मसल है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसको हम बॉक्सर मसल के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया शोल्डर को डेल्टॉइड बोलते हैं, इसी को हम लिफ्टर मसल के नाम से जानते हैं, लिफ्ट करते हैं किसी चीज को, याद रखना। नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम आते हैं अपनी बाइसेप मसल्स पर। तो मैं जब बाइसेप्स पर क्लिक करता हूँ, ये बाइसेप्स पर क्लिक किया और मैंने इसको कर दिया आइसोलेट। तो मैंने आपको आज से बहुत दिन पहले मैंने बताया था कि बाइसेप जो मसल होती है, बाइसेप मसल की बात करूं तो इसके टू हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? टू हेड होते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग हेड और एक होता है हमारा शॉर्ट हेड। एक होता हमारा लॉन्ग हेड और एक होता शॉर्ट हेड। इन दोनों मिला के मेरी बनती है बाइसेप्स मसल। और आपको पता है कि बाइसेप मसल जो है इसका फंक्शन क्या है? तो ये आपकी एल्बो में क्या करती है? फ्लेक्शन मूवमेंट करती है। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। फ्लेक्शन, जब आप अपनी एल्बो को मोड़ते हो ना, तो ये बाइसेप मसल ही करवाती है। दोनों हेड मिलकर उस वर्क को करवाते हैं। नेक्स्ट, अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ कि जब मैं अपनी बाइसेप मसल से फ्लेक्शन करवा रहा हूँ तो एक्सटेंशन कौन करवाएगा? एक्सटेंशन मूवमेंट कौन करवाएगा? प्लीज कमेंट करना है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारी ट्राइसेप्स मसल को। तो जस्ट मैं इसके पीछे करता हूँ, बाइसेप्स के पीछे तो एक मसल होती है, उसको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स। इसको जब मैं आइसोलेट करता हूँ तो ये है हमारी ट्राइसेप्स मसल। और ट्राइसेप्स मसल के कितने हेड होते हैं? तो याद रखना, ये जो बीच में छिपा हुआ है, ये देखना, ये बीच में छिपा हुआ आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मीडियल हेड। क्या बोलते हैं? मीडियल हेड। और जब मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ, घुमाता हूँ, तो एक हो गया हमारा जिसको हम बोलते हैं लैटरल और एक हो गया हमारा लॉन्ग हेड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये पता होना चाहिए 3/8 से तैयार की जाती है, नाम से आप पता लेना। और आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए कि किस किस डायरेक्शन में क्या, हालांकि मसल तो देगा नहीं एग्जाम में कि एक मसल का सिंबल दे देगा और आप पहचान करें, बट आपको नेम पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, एक एक चीज़ को समझेंगे, है ना, धीरे धीरे। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वो ये है, ये वाला कि ये जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये पूरा जो ब्लैक हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं रेड पेन की हेल्प से आपको, ब्लैक पेन की हेल्प समझाऊंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी जो फैली हुई है ये इस तरीके से, इस मसल का नाम क्या है? ये एक बार नहीं, कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। तो इस मसल को हम बोलते हैं
लेटिसमस डॉर्सी। तो ये तो आपका आधा हिस्सा, अगर मैं इसको पूरा करना चाहूँ तो देखो ये इस तरीके से होती है, क्योंकि इसने अपना लेफ्ट वाला दे रखा है और ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। तो लेटिसमस डॉर्सी जो होती है, नोट कर लेना सारे लोग, लेटिसमस डॉर्सी जो होती है, इस मसल को हम बोलते हैं सबसे चौड़ी मसल, इसको सबसे चौड़ी मसल बोलते हैं, और ये हमारे एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछी गई है, याद रखना। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि सबसे बड़ी मसल कौन सी है, ये तो हो गई चौड़ी, हम बात कर रहे हैं लार्ज मसल, ये हो गई ब्रॉड मसल चौड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, प्लीज कमेंट करके बताइए। उसके बाद ये क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में कि सेरेटस एंटीरियर मसल्स कहाँ होती है, तो ये सेरेटस एंटीरियर मसल्स होती है यहाँ पर, जब मैं इसको क्लिक करूँगा और जब मैं इसको देखूँगा तो ये मछली के आकार की, आपसे पूछेगा कि फिश शेप की जो मसल है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटीरियर सेरेटस। देख लो सारे लोग, इस तरीके की मसल होती है, और ये मसल जो है इसी मसल को हम बॉक्सर मसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्सर मसल बोलते हैं। ये एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में कि बॉक्सर मसल किसे बोलते हैं, बॉक्सर मसल किसे बोलते हैं, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बॉक्सर मसल, उसके बाद हम पीछे चलेंगे और फिर जब हम थोड़ा सा इसको अपने टर्न करते हैं तो सामने एक मसल्स हमें नज़र आती है जस्ट उसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं ये लेफ्ट और ये राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये होगी मेरी चेस्ट मसल, इसको हम बोलते हैं पूरी को, ये पूरी यहाँ से लेकर ये हिस्सा और ये हिस्सा, ओवरऑल मिला के पेक्टोरल्स मेजर मसल्स में मेजर एंड माइनर पार्ट्स होते हैं, तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेक्टोरल्स मेजर मसल्स की मैं बात करूं तो इस मसल को हम चेस्ट मसल या हम ब्रेस्ट मसल के नाम से भी जानते हैं, और या हम इसको बोल सकते हैं थ्रोइंग मसल के नाम से जानते हैं। तो थ्रोइंग, ब्रेस्ट, चेस्ट, पेक्टोरल्स कुछ भी बोल सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, तो ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद ये हो गया जस्ट, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं देखो अप से बॉटम मतलब अप से नीचे की ओर आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, तो जब मैं चेस्ट को कवर किया अब उसके बाद इस साइड में आपको ये मसल दिखती है चौड़ी चौड़ी, ये और ये अब किस साइड में, तो इस मसल को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक्यू, देख लो सारे लोग, ये है आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक्यू और इससे कनेक्टिविटी हो जाती है आपकी सेरेटस, हम बोल सकते हैं एंटीरियर की। तो एक्सटर्नल ओब्लिक्यू जो आपके जो बिस्किट होते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं एप्स, ये बिस्किट जो होते हैं आपके, ये इनके जो साइड में जो मसल है जो कवर करके रखी है, उसको हम एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक्यू बोलते हैं। भाई लोकेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन सिंपल ये पूछा गया, फंक्शन से रिलेटेड तो सिर्फ और सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप ये क्वेश्चन पूछता है कि फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन नहीं पूछेगा, इनकी लोकेशन पूछेगा। फिर जस्ट इसके बीच में जो बिस्किट बने रहते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एप्स, बीच में तो होते हैं, तो एप्स को हम बोलते हैं रेक्टस, क्या बोलते हैं, रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनस। तो रेक्टस का मतलब होता है सीधी मांसपेशी, क्या बोलते हैं इसको, सीधी मांसपेशी, रेक्टस का मतलब ही होता है सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में। चलो भाई उसके बाद जब हम धीरे धीरे अप से हम आ रहे हैं बॉटम की तरफ, तो हमारे एक साइड में एक हाथ में फोरआर्म में एक मसल होती है, उस मसल का नाम क्या है, ये आपके एग्जाम बनता है। ये जो मसल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मसल है, ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जब इसको मैं आइसोलेट करूँगा तो ये जो मसल है ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रैकी रेडिलियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं ब्रैकी, ब्रैकियो रेडिलियस, ब्रैकियो रेडिलियस, ब्रैकियो रेडिलियस का मतलब ब्रैकियो मतलब बाइसेप्स से कनेक्टिविटी, रेडिलियस मतलब रेडियस आपकी जो
बोन है उससे कनेक्टिविटी। तो आप बोल सकते हैं ऐसे समझ करने के लिए, हाथ के ऊपर जस्ट जो थंब होता है आपका, थंब के ऊपर वाले पे जब हाथ फेरोगे तो ब्रैकियोरिडलेस मसल्स होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया कि फोर आर्म में होती है कि आर पूरी बाजू में होती है, थाई में होती है, खोपड़ी में होती है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है आपको भाई, क्योंकि क्वेश्चन घुमाने वालों का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको पीछे मूव करता हूँ, ये आप देख रहे होंगे ये गोल मटोल, ठीक है ना, इसको हम कॉमन भाषा में बोलें तो हिप बोल देते हैं कि हिप मसल। हिप में भी हमारे कई पार्ट्स इंक्लूड रहते हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने ये कर दिया यस, तो ये है आपकी गोल मटोल, आप देख सकते हैं भाई। इस मसल्स को बोलते हैं ग्लूट्स, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ग्लूट्स मसल। और ये मसल आपके कहाँ पर है, हिप में देखने को मिलती है। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यही मसल है जो सबसे हम बोल सकते हैं बड़ी है, चौड़ी नहीं बड़ी, लार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जस्ट उसके आने के बाद फिर एक मसल पूछता है, इसको हम बोलते ही आपको देख रहा होगा यहाँ से पेल्विक क्रिस्ट से लेकर और आपकी नी तक चली जाती है। तो इस मसल को क्या बोलते हैं, इस पे क्लिक किया और ये निकल कर आई, इसको हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं सर्टोरियस मसल, इसको हम बोलते हैं सर्टोरियस मसल, सर्टोरियस मसल्स, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी मसल। इसको हम एक और नाम से जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, सब लोगों को पता होगा बट तब भी कमेंट करके बताना है कि सर्टोरियस मसल्स को किस नाम से जानते हैं। तो जब मैं इसको फिर ह्यूमन बॉडी की तरफ जाता हूँ तो देखो ये इस तरीके से। तो याद रखना ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। फिर जस्ट में उसके बाद उसकी बगल में एक मसल दिख रही होगी, एक लंबी सी और थोड़ी बड़ी सी। तो जब मैं इस मसल्स को क्लिक करता हूँ लो, तो ये है हमारी, इसको हम बोलते हैं रेक्टस फेमोरिस। और ये आपकी थाई की मांसपेशी है और थाई की सबसे मजबूत मसल मानी जाती है रेक्टस फेमोरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेक्टस फेमोरिस आपके थाई में होती है और ये थाई की सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। रेक्टस फेमोरिस क्या करती है, आपकी मैं बात करूं नी जो होती है, जब आपके नी में जब आप एक्सटेंशन मूवमेंट करते हो, अपने पैर को खोलते हो, तो यही मसल जो है एक्सटेंशन जब मूवमेंट करते हो तो यही मसल करवाती है आपके नी में एक्सटेंशन मूवमेंट, मतलब घुटने को जब आप खोलते हो। तो ये क्वेश्चन पूछे गए, बेसिक क्वेश्चन ही, तो सब लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो याद कर लेना, क्योंकि 3D एनिमेशन चीज़ों को समझते तो क्लियर होता है। अभी मैं आपको है ना ये मसल्स बता रहा हूँ, फिर उसके बाद है ना सारे मूवमेंट्स करवा के बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद जस्ट मैं पीछे जाता हूँ, ये मैं पीछे गया, तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो ये पूरी क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, और क्वाड का मतलब होता है फोर मसल, क्वाड्रिसेप्स के अंदर कितनी मसल आती है, चार। अब उसके बाद जब मैं पीछे जाता हूँ तो इसके पीछे की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इसकी पीछे की मसल को बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। तो ये एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन बनाए कि हैमस्ट्रिंग मसल किसे बोलते हैं, तो जस्ट थाई के पीछे की मांसपेशी जो होती है उसको हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। और हैमस्ट्रिंग का मीन्स होता है थ्री मसल्स से तैयार की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्री मसल से तैयार की जाती है, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, जस्ट इसको आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स कहाँ होती है, बाइसेप्स फेमोरिस मसल कहाँ होती है। तो बाइसेप्स लग गया तो आप अपनी बाजू मत लगा देना, आर्म मत लगा देना, हाथ मत लगा देना, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाइसेप्स बोले सर हाथ की बात कर रहे हैं, तो बाइसेप्स फेमोरिस आपके थाई में होती है जो कि हैमस्ट्रिंग मसल्स का पार्ट है। और हैमस्ट्रिंग मसल थ्री मसल्स से तैयार की जाती है, थ्री हेड से तैयार की जाती है,
और थाई के जस्ट पीछे मसल होती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है आपकी, मैं बात करूं जो नी होता है ना, जो आपका नी होता है, तो नी के अंदर हम बात कर सकते हैं जो फ्लेक्सन मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्सन जो मूवमेंट हो रहा है उसको कौन करवा रही है? जब आप अपने घुटने को मोड़ते हो ना, तो सारी तीनों की तीनों मसल जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो ही उसको फ्लेक्स करवा रही है, फ्लेक्सन करवा रही है। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, सब एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सर ये चैप्टर जो है डाउट में, इसको क्लियर कर दो, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आज से मैंने कॉम्बो मैराथन बैच की शुरुआत की है, जिसमें मैं आपको लगभग, मैं बात करूं 2000 से लेकर और 3000 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं डीप में। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब 2000 से 3000 के बीच में जब क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना डीप में, तो सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी, याद रखना। और ए टू जेड, एक टॉपिक कंप्लीट उससे रिलेटेड पूरा टेस्ट, फिर एक टॉपिक कंप्लीट उससे रिलेटेड टेस्ट, जब ऐसी तैयारी जब आपको मिलेगी ना, तो याद रखना इंडिया का कोई भी एग्जाम आपसे रुकने वाला नहीं है। जब हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएं चैप्टर वाइज, फिर मिक्स, फिर पूरा, तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ इजी हो जाएगा। तो आज से हम कॉम्बो मैराथन बैच शुरुआत करने वाले हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।